निरग्नि मने लाल कपड़े पहने वाला सन्यासी नहीं है। अक्रिय मने कर्म को छोड़ने वाला कर्मयोगी नहीं है। इसलिए भगवान ने जो पिछले अध्याय में कहा, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा 5/12 शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, फलाशक्ति भोगाशक्ति ही बंधन है, उससे कोई बचा नहीं सकता। और सन्यासी क्या है? फलाशक्ति या भोगाशक्ति को छोड़ दिया, सन्यासी हो गया। असली सन्यास लाल कपड़े से सन्यासी नहीं होता है, कर्म फल को छोड़ने से सन्यासी बनता है। भगवान ने इसीलिए जो 5वें अध्याय में बात कही, 6वें के शुरू में भी यही बात कही और कई बार इस बात को दोहराएंगे कि फलाशक्ति बंधन है, भोगाशक्ति बंधन है। भोगाशक्ति नहीं छोड़ा तो उसमें गृहस्थी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। जब तक आसक्ति है, भोगाशक्ति है, फलाशक्ति है, तब तक बंधन है। जब भोगाशक्ति या फलाशक्ति मिट जाएगी तभी नैष्ठिकी शांति प्राप्त हो जाती है और वही सच्चा सन्यास है। उसके पहले आत्मवंचना है। मनुष्य धोखा देता है अपने आप को, समाज को। जो भोगाशक्त है, फलाशक्त है, वो लाल कपड़े से सन्यास नहीं होता है। भगवान ने इस बात को कई बार कहा, 6वें अध्याय के प्रारंभ में भी यही कहते हैं, अनाश्रिता कर्म फलम। कई बार कहेंगे भगवान, जिससे पोल पाल का सन्यास न रहे। सच्चा सन्यास वही है जब मनुष्य फलाशक्ति को छोड़ देता है। अनाश्रिता कर्म फलम, फल जितने हैं, फल हमने बताया जाति आयु भोग, ये तीन चीजें फल के भीतर आती हैं। किस योनि में जन्म हुआ है, कितने दिन तक हम रहेंगे, और एक एक ग्रास निश्चित है भोग, वो सब फल है। सन्यासी अपने जीने की भी आसक्ति नहीं रखता, ना उस योनि में आसक्त रहता है। फलाशक्ति किसी प्रकार की है, चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। सुगति सुमति कुछ नहीं चाहता, वही सच्चा सन्यासी सच्चा योगी है। इस तरह से आज एक ही श्लोक होगा, क्योंकि आज कथा सप्ताह शुरुआत है, शोभा यात्रा में भी जाना है सबको। जय श्री राधे।